अब मैं इस पे या सामने का हो गया और एक इस तरह का बैक साइड का भी बना लेना, सेम इसी तरह से बनाने हैं। और साथ में अब मैं इस पे बाजू और ये गला एक साथ कैसे बनाने हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। उसके लिए हमें ग्रीन कलर से यहाँ पे फंदे उठाने हैं। फंदे उठाने के लिए ये कॉर्नर देखेंगे इस तरफ से ऐसे, प्रत्येक चोटी वाले जगह से हमें इस तरह से एक एक फंदे करके निकाल लेना है। इस तरह से हमें यहां से ये लास्ट तक, यहाँ तक हमें फंदे उठा लेने हैं। मैं फंदे उठा लेती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ से इस टोटल फंदे इस पे उठा लिए गए, प्रत्येक एक एक चैन पे फंदे को उठा लेने हैं। और अब इस पे सारे फंदे को हमें उल्टे उल्टे बनाना है। एक फंदे जो पहले वाला निकाला गया है उसे मैं अभी बना लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट सिलाई पे हमें इसे सिर्फ उतार लेना है। इस तरह से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से यह एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सिलाई यानी सीधे तरफ। अब सीधे तरफ भी हम इसे उल्टे उल्टे बनाना है। एक फंदे को निकालना है और सारे फंदे उल्टे बनेंगे, यानी दोनों तरफ से सिलाई उल्टी बनानी है। और इसे हमें सिक्स सिलाई ग्रीन से बनानी है। सिक्स सिलाई इस तरह का, सीधे में भी उल्टा, उल्टे में भी उल्टा, इस तरह से पूरे कंप्लीट करने हैं। मैं इसे यानी सिक्स रो बना लेती हूँ, यानी सिक्स सिलाई मैं कंप्लीट करके बताती हूँ। यहाँ ध्यान देंगे, ये देखिए यह सिक्स सिलाई कंप्लीट हो गई है। सिक्स सिलाई कंप्लीट करने पर ये देखिए 1 2 3 इस तरह का थ्री रो कंप्लीट हो जाएगा। थ्री रो कंप्लीट होने के बाद अब मैं यहाँ पे ये साइड का यानी ये बाजू का पैटर्न कैसे बनेगा उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके लिए अब यहाँ पे इस पे ब्लैक वुल लगाने हैं। यह मैं बताना चाहूंगी कि ब्लैक वुल लगाने से पहले ये टोटल फंदे को पार्ट करने हैं। इसे जैसे कि ये बाजू वाले भाग है, बाजू वाले भाग पे 31 फंदे को हम इससे बनाएंगे, ब्लैक से बनाएंगे। इस तरह से पहले बाजू डिवाइड करेंगे, फिर बीच का गला डिवाइड करना है। गला को कैसे बनाना है उसके बारे में बताऊंगी इसी सिलाई पे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
31 फंदे को ब्लैक से बना लेने हैं। और ये जो बीच वाले फंदे हैं ना, ये बीच वाले फंदे में 21 फंदे को हमें ग्रीन से बंद करने हैं। अब यहाँ पे ये गला वाला फंदा है, इसे 21 रखने हैं और बाद में इसे बंद कर देने। अभी मैं बाजू के लिए फिर एक बार मैं काउंट कर देती हूँ। 31 फंदे, 31 फंदे। फिर इसे हमें सीधे से भी एक फंदे को उतारना है ऐसे, फिर फंदे को आगे करेंगे और सारे फंदे को ब्लैक से बनाएंगे। इस तरह से हमें सेम 1 2 3 यानी 4 सिलाई बनानी है। इस तरह के 3 रो कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि यहाँ ग्रीन वूल जो है उसे हमें रखने हैं। अब इस रो पे सारे फंदे को डिवाइड करने हैं, यानी कि ये बाजू का फंदे पे हमें, बाजू के पर हमें 31 फंदे रखने हैं। उसके लिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 फंदे ग्रीन से बनाने हैं। नेक्स्ट फंदे को अब मैं ब्लैक वूल से बनाऊंगी। अब यहाँ पे 21 फंदे हमें ब्लैक से बनाने हैं। 21 और फिर यहाँ पे हमें 5 फंदे को ग्रीन से बनाने हैं। इसके लिए मैं अलग से फिर ग्रीन कलर का गोला लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने अलग से लगाया है ताकि एक इधर रहेंगे और एक इधर, ये पैटर्न आगे बनाते चलना है तो यहाँ ज़्यादा ये ना हो जाए धागे का, इसीलिए। अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 and 5 फंदे बनाऊँ और सिलाई पलटने हैं और बाकी इस फंदे को गला के लिए हमें छोड़ देना है। अब यहाँ पे इस पे एक फंदे को सीधे निकाल लेने हैं और बाकी फंदे को उल्टे बनाने हैं। उल्टा बनाया, फिर इस फंदे को पीछे करके और फिर ब्लैक वाले को भी ब्लैक से बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी
और एक लास्ट 21 ये बनाया, और यहाँ पे 5 फंदे ग्रीन से, 1 2 3 4 5। यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने डिवाइड किया टोटल 31 फंदे, 31 में 5 ग्रीन 5 ग्रीन और 21 ब्लैक से। ब्लैक से फिर हमें इस तरह का 3 स्ट्रिप बनाने हैं। इसे मैंने एक बाजू कंप्लीट कर रखा है, ठीक 31 फंदे हमें इधर भी छोड़ने हैं, यानी कि नेक्स्ट इस पे, और इस पे मैंने एक बाजू बना रखा है। ये देखेंगे, ये 31 फंदे पर यह कंप्लीट है। यहाँ देखिए, यह किनारे का 5 और ये 5, इस तरह से ग्रीन से हमें स्ट्रिप बनाने हैं। कितने कप के बनाने हैं? तो 1 2 3 3 रो ग्रीन से, 3 रो ब्लैक से, 3 ग्रीन 3 रो सॉरी ब्लैक। इस तरह से हमें 1, यदि ग्रीन को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 बनाने हैं। लेकिन इसके साथ में मैंने यहाँ पे यह कली बनाई है किनारे तरफ बॉर्डर के रूप में। इसे कैसे बनाया उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें यह 1 2 3 स्टेप हमें कंप्लीट कर लेना है। एक बार फिर देखेंगे, यह कली जो बनाया गया है इसे मैंने 1 स्ट्रिप 1 2 3 3 स्ट्रिप बनाने के बाद ही इसे बनाया है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। दोनों तरफ 5-5 के बॉर्डर चलेंगे और इस तरह से मैं यहाँ तक बनाऊँगी। इस तरह से मैं यहाँ बना लेती हूँ, फिर आगे को बताती हूँ। और ये बीच वाले जो भाग हैं, जो बचे हुए, ये गले के हैं, इसे लास्ट में हमें बंद कर देने हैं। अभी फिलहाल हमें इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से यहाँ पे ये जो है 1 स्ट्रिप, जैसे कि ये देखेंगे 1 2 3 3 रो कंप्लीट हो गया है, और ये किनारे तरफ इस तरह का बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे ग्रीन लगाऊंगी, ग्रीन वाले जो हैं वो अब उल्टे साइड से ही लगेंगे। मतलब जब भी ऊन चेंज करना है तो हमें उल्टे तरफ से ही चेंज करना है। इस तरह से चेंज करेंगे। अब मैं यहाँ पे पूरी रो ग्रीन से बनाऊंगी और ग्रीन से बनाने के बाद फिर हमें इस तरह से स्ट्रिप बना लेना है, इस तरह का स्ट्रिप बनाना है। जैसा कि मैंने बताया, इसे हमें यहाँ एक बार देखेंगे, इसे हमें इस तरह का स्टेप 1 2 3 तैयार करने हैं। लेकिन अभी 1 2 और 3 ये ग्रीन तक तैयार करने हैं। यहाँ तक मैं कर लेती हूँ, फिर ये वाला बताती हूँ कि इसे कैसे बनाया गया है। इस तरह अब इसके थर्ड रो पे हमें यहाँ पे कली बनानी है। 1 रो 2 रो कंप्लीट हो गया, थर्ड रो, ये थर्ड रो पे मैं यहाँ से यहाँ तक आती हूँ। इस तरह यहाँ तक बनाने हैं 2 फंदे को छोड़कर। अब यहाँ पे उल्टे रो कंप्लीट हुआ। अब यहाँ के लिए हम फंदे पीछे करेंगे और एक सीधी सिलाई, फिर फंदे आगे करते हुए ये जाली बनाएंगे। ये इस तरह के एक फंदे बढ़ेंगे और जाली बनेंगे। उल्टे तरफ से हमें उल्टे बनाने हैं। इस तरह से ये 3 फंदे हैं ना, इसे हमें उल्टे तो बनाने ही हैं, साथ में ये देखिए 3 हो गए, यानी एक बढ़े हुए फंदे, और अब इधर के 1 2 3 यानी टोटल जो 5 फंदे थे उसे हमने यहाँ पे 6 फंदे बनाएंगे। और फिर बीच वाले फंदे यानी 21 फंदे को फिर हमें ब्लैक से बनाना है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। और ये 5 फंदे जिसे बॉर्डर बनाने हैं उसे अब हम ग्रीन से बनाएंगे।
वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर सिलाई करती हैं और फिर हमें इसे कंप्लीट करना है, यानी कि ये वाले जो ग्रीन वाले हैं ग्रीन को ग्रीन से बनाएंगे और फिर ग्रीन से बनाया और ब्लैक को ब्लैक से बनाया। मैं फिर यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ का प्रोसेस बताती हूँ। इस तरह से यहाँ फंदे बनाने के बाद, ये तीन फंदे जिसे मैंने जाली बनाया था, ठीक उसी तरह यहाँ पे एक फंदे को सीधे बनाएंगे और फिर अब इस बीच वाले फंदे को उल्टे बनाएंगे उधर तरफ से ही। तो इस तरह से हमें यहाँ जाली बनती जाएगी, लेकिन अब बीच के ये दो फंदे को छोड़कर बाकी फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, फिर फंदे सीधे करने हैं और फिर ये सीधे बनाएंगे, एक या सीधे बनेंगे और एक सीधे, बीच के सारे फंदे जो जो बढ़ते जाएंगे उसे उल्टे उल्टे बनाने हैं, उल्टे तरफ से सारे फंदे उल्टे बनेंगे जो जिस कलर के हैं, यानी ग्रीन वाले को ग्रीन से बनाएंगे और इस रो पे ब्लैक का स्ट्रिप जाएगा, इसलिए इसे ब्लैक वाले को ब्लैक से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। अब यहाँ ठीक उसी प्रोसेस से हम बनाएंगे, यानी कि एक फंदा सीधा और ये फंदे को पीछे रखते हुए बाकी के यानी बीच के फंदे इस बार दो उल्टा और ये सीधा। इस तरह से हमें यहाँ पे पांच जाली बनानी है। अभी एक जाली है, एक बार दिखा देती हूँ इसे हमें, यहाँ देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव जाली हमें कंप्लीट करनी है। इस तरह से फाइव जाली कंप्लीट करके फिर इसे बंद करना है, ये प्रोसेस बताऊंगी, पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से पूरे कंप्लीट करना है। अब इस रो में देखेंगे यहाँ पे फाइव फंदे हो गए हैं, यानी टोटल फंदे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन फंदे हो गए हैं। अब मैं यहाँ बंद करूँगी, यानी इसे कली बनाऊँगी। कली बनाने के लिए एक फंदे को निकालेंगे और दूसरे फंदे को इस तरह से उल्टे तरफ से देखेंगे, इस तरह से बंद करेंगे, अगेन यहाँ ध्यान देंगे, से एक फंदे को बंद किया, नेक्स्ट फंदे यानी ये दूसरा टू थ्री फोर और ये फाइव, इस तरह से फाइव फंदे को बंद करेंगे, फाइव फंदे बंद हो गए। और फिर सेम प्रोसेस सारे को स्टेप बना लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रिप जो बनानी है, देखेंगे इधर यह स्ट्रिप को, अब ये पैटर्न को बनाते हुए हमें आगे बनाना है। यहाँ देखिए ये कंप्लीट हो गया है, अब इस तरह से ये रिबन बनाते चले जाना है। इस तरह से अब फिर से यहाँ कली बनाएंगे, जैसे ये दो फंदे हैं सेम प्रोसेस जैसे पहले मैंने बताया, ये एक फंदे को सीधे बनाएंगे और इस सिर्फ इस सिलाई पे फंदे आगे करके फंदे बनाएंगे। नेक्स्ट सेम प्रोसेस दोहराते हुए हमें इसे, ये देखेंगे हमें इसे ब्लैक काउंट करेंगे तो वन टू थ्री रो और ग्रीन काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर, यहाँ तक हमें बना लेने हैं। मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर ये प्रोसेस कैसे बना है, यानी ये कली किस तरह से बनाया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगी। पहले मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने वन टू थ्री फोर, फोर स्ट्रिप बना लिया। इसमें देखेंगे वन टू थ्री फोर, फोर रो के बाद अब मैं इस तरह से ये कली के किस तरह से बना है उसके बारे में बताऊंगी। इसे बनाने के लिए उल्टी सिलाई पे हमें इस सारे फंदे को, कली वाले फंदे को कली से बनाएंगे, यानी ग्रीन से बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एट, यानी कि ये जाली वाले फंदे जो चोटी वाले फंदे हैं उससे हमें चार फंदे और इधर बनाने हैं। इस तरह से यहाँ ये कली वाले फंदे को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट,
व्हाइट बनाने के बाद अब इसे हम ब्लैक से बनाएंगे। ब्लैक से पूरी रो बनाएंगे, सिर्फ बॉर्डर वाली पट्टी जो है उसे हमें छोड़नी है। इस तरह से और इधर जो है इस सिलाई पे ये पांच फंदे जो ग्रीन के हैं उसे हमें छोड़ने हैं। अब सिलाई पलटनी है और अब ये फंदे नहीं बनाने हैं, अब इस फंदे को यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस तरह से इसे यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ब्लैक वाले को ब्लैक से बना लेंगे और ये कली वाले जो फंदे हैं उसे हमें ग्रीन से बनाने हैं। थ्री बनाया और ये जाली वाले फंदे हैं, इसे पीछे रखते हुए जैसे कली बनाने का प्रोसेस है सेम प्रोसेस को दोहराएंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट लाइन पे ये ग्रीन वाले फंदे जितने सारे हैं उसे हम बना लेंगे। इस तरह से और यहाँ पे और एक फंदे और बढ़ेंगे तब इसे बंद करने हैं और ब्लैक वाले फंदे को आप ब्लैक से बनाएंगे। ब्लैक वाले फंदे को यहाँ पे सेवन फंदे छोड़ने हैं, 3 और 4 यहाँ तक हमें बनाने हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन तक बनाने हैं और ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदे छोड़ने हैं और सिलाई यहीं पलटनी है। अब पलट कर फिर ये फंदे को बनाना है। इसे बनाने के लिए एक फंदे को इस तरह निकाल लेंगे और इसे बनाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरी सिलाई बना लेनी है। इस तरह ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी और जैसा कि अब इस पे 6 फंदे आ चुके हैं बड़े हुए फंदे, तो अब उल्टे तरफ से इसे बंद करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव बंद कर दिए। नेक्स्ट जो है ये ग्रीन वाले जो चार फंदे जो हैं उसे बना लेने हैं, यानी कि ये 5 फंदे हो गए। अब यहाँ पे अब ब्लैक्स बनाएंगे और 7 फंदे जो छोड़े थे ना, फिर इस बार हमें यहाँ 7 फंदे छोड़ने हैं, यानी ब्लैक के सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाने हैं। अब इसे ब्लैक से बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर ये 7 फंदे छोड़ने हैं। 7 फंदे छोड़ देने, फिर सिलाई यहाँ पलटनी है और इसे इस फंदे को निकालेंगे और फिर सेम प्रोसेस दोहराते हुए कंप्लीट करें। सिलाई पूरी हो गई है। नेक्स्ट सिलाई पे कली वाले फंदे को बना लेंगे ग्रीन से। और इस बार जो 7 फंदे ब्लैक के बचे हैं
ये वाले फंदे इसे सिर्फ बनाने हैं और फिर यही रिटर्न 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे बनाया और इसे हमें यहाँ देखेंगे इसे अब पूरे बना लेने हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी तीसरी सिलाई जो होगी इसकी, यानी कि 7 फंदे को कंप्लीट करते हुए जो 3 में डिवाइड है अब इधर यहाँ तक बना लेंगे ब्लैक से। यहाँ देखेंगे इसे बनाने के बाद अब इस पे 7 फंदे जो ब्लैक के हैं उसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बनाए और फिर सिलाई पलटनी है। सिलाई पलटते हुए से हमें ये रो कंप्लीट करना है। कंप्लीट हो गई, सिलाई पलटेंगे और इसे अब ग्रीन से बनाएंगे। सारे फंदे अब ग्रीन से बनाने हैं। यानी यहाँ तक टोटल इस बार इसे भी बनाने हैं हमें। इस तरह फिर 7 फंदे अब इससे बनाने हैं, मतलब ग्रीन से, और 7 फंदे बनाएंगे। पहले 5 फंदे यहाँ छोड़ेंगे, इसे भी अभी बना लेंगे, यानी ये रो पे ग्रीन से सभी फंदे को बना लेना है और फिर सिलाई पलटनी है। और यह रो जो है यह रो पूरे कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इसे देखेंगे या इस तरह का बनेगा। अब नेक्स्ट सिलाई पे सेम उसी तरह ग्रीन से भी बनाने हैं। ग्रीन से बनाने के लिए फिर ये फंदे ये रो कंप्लीट करेंगे और सामने या लास्ट के 5 फंदे को छोड़ेंगे, फिर 7 7 फंदे छोड़ने हैं। इस तरह से इसे मैं यहाँ तक बनाती हूँ। अब इस सिलाई पे यहाँ 5 फंदे और 1 फंदे और 1 फंदे, अब इसे हमें छोड़ने हैं 5 फंदे और सिलाई यहाँ पलटनी है। जैसा कि ब्लैक कलर से बनाया था सेम वही प्रोसेस दोहराना है। ये फंदे को, 1 फंदे को ऐसे निकालेंगे और बाकी फिर हमें इस तरह से पूरे बना लेना है। ये रो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर इसे हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और फिर ये 5, अब अगेन यहाँ पे 7 7 फंदे को छोड़ेंगे, फिर 7 फंदे को छोड़ने हैं। इस तरह से 7 फंदे को छोड़ते हुए फिर हमें ऐसे बना लेना है। ये देखिए इस तरह से बना लेना है। इस तरह से हमें
स्टेप यदि ब्लैक का लेंगे तो 1 2 3 ब्लैक के बनाने हैं, या ग्रीन का लेंगे तो 1 2 3 थ्री स्टेप बना लेना है, साथ में ये कली बनेगी। बस यह इस तरह से हमें कंप्लीट करना है, और फिर मैं आगे बताऊंगी इसको कैसे बनाना, इसको सेम ये प्रोसेस बनाना है। अब फंदे यहाँ तक आने के बाद यानी टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स कली बनाने के बाद, सिक्स जो बढ़े हुए फंदे बनाने के बाद, फिर हमें 1 2 3 स्टेप इस तरह के बना लेने हैं। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ फिर आगे बताती हूँ। अब यहाँ देखेंगे यह जो है 3 रो 1 2 3 3 कंप्लीट हो गया है। अब इस पे हम ये देखिए ये स्ट्रिप कंप्लीट हो गया है, और ये स्ट्रिप कंप्लीट होने के बाद, ग्रीन कंप्लीट होने के बाद, ये ब्लैक वाले बनाने हैं। ब्लैक वाले स्ट्रिप सिर्फ सिंपल बनाने हैं, यानी कि ये कली के साथ हमें चार फंदे ग्रीन के, और फिर इसे इस तरह से 1 2 3 रो कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे जैसे किया बैक तरफ से, एक ये कली है और ये फंदे हमें 1 2 3 4 4 ग्रीन से बनाएंगे, और बाकी फंदे को ब्लैक से बनाएंगे। इस तरह से हमें ब्लैक और फिर ये चार फंदे जो है, पांच फंदे जो है, इसे छोड़ेंगे, इस तरह से ये स्ट्रिप तैयार कर लेंगे। इस तरह पूरे कर लेने हैं और सारे फंदे को बंद कर देने हैं। यहाँ देखेंगे यह जो है स्ट्रिप तैयार हो गया है। ये कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे देख 1 2 1 2 बनाने के बाद ये देखिए कली, ये कली ये कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ कली नहीं बनानी है, अब इसे प्लेन बनाना है। एक बार मैं एक दूसरे भाग से दिखा देती हूँ कि ये जो है यहाँ देखेंगे इसे इस तरह से कली नहीं बनाने हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 2 स्टेप पे पास यहाँ कली नहीं बनानी है, ठीक उसी तरह हम अब यहाँ पे सिर्फ एक इस तरह का बनाएंगे, यानी कि यह ब्लैक और ये ग्रीन जो है बिना स्ट्रिप के बनाएंगे, ये बिना स्ट्रिप का बनेगा इस तरह से। इसे कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से, इसे 1 ब्लैक से और 1 ग्रीन से कंप्लीट कर लेने। ये देखिए ये इस तरह से हो गया। अब फंदे बंद करूँगी, बंद करने पर ये इस तरह से हो जाएंगे, ये जो बने हैं इस सारे फंदे को इस तरह बंद कर लें। बंद करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है, ये एक फंदे निकाला और दूसरे फंदे को उल्टे बनाएंगे और इस तरह से उल्टे तरफ से बंद कर देंगे। इस तरह सारे फंदे हमें बंद करना है, इस तरह से पूरे फंदे बंद कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से सारे फंदे बंद कर लिए गए, ये देखिए इसी तरह से ये दोनों तरफ हमारा तैयार हो गया है। इसे ऐसे देखेंगे और ये अब यहाँ देखेंगे ये बीच वाले फंदे, यानी कि ये वाले फंदे, इसे हमें बंद करना है। इसे बंद करने के लिए ऐसे इसे बनाने के क्रम में भी हम इसे बंद कर सकते थे, लेकिन मैं अब यहाँ पे इसे बंद कर दूंगी। इस तरह से ये बीच वाले फंदे भी हम एक एक करके बनाएंगे और उल्टी तरफ से ऐसे बंद करेंगे। एक एक करके इन सारे फंदे को, गले के फंदे को बंद कर देंगे।
ये यहाँ से यहाँ तक हमें कंप्लीट कर लेना है। ऐसे इसे बनाने के क्रम में जब इसे बना रहे होते हैं उस समय भी इसे बंद करके और इस पर आ जाएंगे और इसे बना लेंगे, दोनों प्रोसेस से बना सकते हैं। इसे मैं बंद कर लेती हूँ। इस तरह ये सारे फंदे बंद हो गए हैं और ये हमारा गला बिल्कुल तैयार है। ये देखेंगे ये गला बनकर तैयार हो गया और साथ में ये हमारा बाजू बाजू एक साथ दोनों तरफ हमारे बना बन गए हैं। अब इसे इसका दूसरा पार्ट यानी कि इसका बैक साइड वाला दूसरा पार्ट को कैसे हम अटैच करेंगे और उस पर क्या बनाना है उसके बारे में बताऊंगी। जैसा कि यह दूसरा पार्ट है बैक साइड, या फिर ये इसे तो दोनों तरफ से यूज किया जा सकेगा क्योंकि दोनों सेम बना हुआ है। अब इसे यानी इस पे हमें सिर्फ गला बनाना है। इधर का बाजू का ये कंप्लीट हो गया है, इसे ज्वाइंट करने हैं, ये देखेंगे। लेकिन ज्वाइंट करने से पहले ये देखिए ये इस तरह से कंप्लीट है और इस पे ये बाजू ऐसे अटैच करना है। तो बाजू को इस तरह से अटैच करेंगे और इस बाजू को इस तरह से, ये दोनों को हमें सिल लेना है। इसे मैं ऐसे रखती हूँ और हमें ध्यान देना है ये फ्लावर है ना, ये फ्लावर है यानी कि इसे अटैच करने हैं ऐसे। इसे मैं सीधे तरफ से दिखाती हूँ कि कैसे अटैच करना है। यह यहाँ से ये फ्लावर का ये कॉर्नर जो है इसके हमारा अटैच करना है यानी सिलना है। इसे यहाँ तक सिलेंगे और फिर दूसरे वाला भाग को भी इसी तरह सिलाई करेंगे, इसे भी इस तरह से सिल लेना है। इसे मैं सिलने से पहले गला बनाना है यानी कि ये वाला भाग ये गला इसे बनाना है। इसे हमें ये पॉइंट से फ्लावर का और ये फ्लावर पॉइंट से दोनों पॉइंट से हमें फंदे उठाने हैं। तो पहले मैं गला कंप्लीट कर लेती हूँ फिर सिलाई कर के बताऊँगी। गला उठाने के लिए ये यहाँ से फिर से देखेंगे या फ्लावर पत्ती जो है या फिर फ्लावर कहें दोनों यहाँ से इसे छोड़ना है क्योंकि ये बाजू इस पे अटैच होएगा और इससे हमें ग्रीन कलर से इस तरह से प्रत्येक चोटी वाले भाग पे देखिए चोटी वाले भाग पे हमें उठा लेना है। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक हमें उठा लेना है। इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक फंदे उठा लिए, टोटल फंदे 31 है वो। इस तरह से हम सारे फंदे को उठा लेने के बाद इस पे उल्टे सीधे तरफ भी उल्टे और उल्टे तरफ भी उल्टे बनाएंगे यानी इसे एक बार देख लें कितने स्ट्रिप बनाने हैं। ये यहाँ देखेंगे, ये देखिए इसे हमें 1 2 3 यानी कि 4 रो उल्टे उल्टे बना लेने हैं और सारे फंदे बंद कर देने हैं। इसे मैं बना लेती हूँ 4 रो, उसके बाद दिखाती हूँ। इस तरह कंप्लीट करना है, इस तरह से 1 2 3 यानी 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये पैटर्न बनाने के बाद और इसे बंद कर देना है। इस तरह से पीछे का ये गला तैयार हो गया है। अब मैं दोनों पार्ट को सिलने के लिए बताऊंगी इसको सिलने कैसे है। जैसे देखिए यह है और इस पार्ट को उलट देंगे और ये बाजू इसे इस तरह से मिलाते हुए
और साथ में ये इसे ऐसे करके सिल लेना है। ठीक सिलने के लिए इसे उलटना है, इस तरह उलट के इसे यहाँ से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ से सिलाई करते हुए हमें बाजू अटैच करने हैं और साथ में इसे भी हमें ऐसे अटैच करना है। इसको कैसे करना है उसको मैं बता देती हूँ। इसके कॉर्नर से और ये दोनों तरफ के चोटी को बराबर करते हुए इस तरह से इसे हमें यहाँ से यहाँ तक सिल लेना है। यहाँ तक इसे सिलाई कर लिया गया है। अब इसे ये वाले पोर्शन को यहाँ पे एक और इस कॉर्नर को इस तरह से सिल लेंगे और यहाँ यहाँ हमें यानी कि ये गला वाला भाग पे इस चोटी को और इस चोटी को दोनों चोटी को सिर्फ ऐसे ही इस तरह से ये करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें एक इस पे दूसरा इस पे इस तरह से लास्ट पे हमें देख लेंगे। इस तरह से रोप कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा ये पोर्शन जो है इसे इस तरह से ऐसे तरीके से अटैच करना है कि जो धारियां हैं यानी कि बुनावट है एक तरह की हो जाए। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट कर लेना। ठीक उसी तरह यहाँ देखेंगे यह एक पार्ट एक तरफ का हो गया है और दूसरी तरफ यानी कि ये इसे भी हमें इसी तरह अटैच कर लेना है यानी कि सिल लेना है, इसे भी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया गया है। अब मैं ये पार्ट ये दोनों इसे उल्टा करके इसे भी सिल लेना है। इसे हमें यहाँ से सिलाई करना है। ये देखिए ये जो कली है कली को छोड़कर ये इस तरह से इसे हम यहाँ से सिलाई कर लेंगे दोनों को मिलान करते हुए। इस तरह से दोनों को बराबर करते हुए हमें सिल लेने हैं इधर भी और इस तरफ भी। इस तरह से ये दोनों तरफ सिल लिया गया है। इसे अब मैं सीधे कर लेती हूँ। इस तरह से ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। इसे ऐसे भी यूज किया जा सकता है और यदि हम चाहेंगे कि नहीं आप थोड़ा सा डेकोरेट करें तो डेकोरेट करने के लिए ये सेंटर पर कोई भी फ्लावर हम लगाएंगे। इसे मैं एक फ्लावर से डेकोरेट करूंगी यानी इसे डेकोरेट करने के लिए सजाने के लिए यहाँ पे इसे सिल देने हैं। इसे ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इस पर इसको लगाने के बाद इस तरह से सिल देना है। आप चाहें तो इसे नहीं भी रख सकते हैं या फिर लगा भी सकते हैं। मैं इसे लगा के अटैच करके दिखाती हूँ उसके बाद कैसा लगता है।
इस तरह से फ्लावर और यह मोती अटैच कर दिया गया है। आप चाहे तो इसे लगा सकते हैं, आप चाहे कि नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए ये कम्प्लीट हो गया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे